हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और आज का जो व्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ लंच से। तो आज के लंच में बना है करेले की भुजिया है और मूंग की दाल बनी हुई है, मूंग और मसूर की, और साथ में चावल है। कुछ फंटूस तल लिए थे मैंने। और ये है रात का टाइम जहाँ पर मैं अपनी जो अलमारी मैंने बनवाई है उसको मैं सेट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है और थोड़ी बहुत जो वीडियो इन्होंने बना दी वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा कोई वो नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर मैं कोई व्लॉग जो है वो बनाऊँगी। तो इन्होंने बीच बीच में आके थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। यहाँ पर सबसे पहले अलमारी को मैंने अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद यहाँ पर पेपर जो है वो मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ, अब लगा रही हूँ। उसके बाद सारे कपड़े जो है मैंने एक जो ऑर्गेनाइज़र जो मंगवा रखे थे उसमें मैंने कपड़े पैक किए थे, उसमें से सारे निकाल निकाल के अभी मैं जो लगा रही हूँ यहाँ पर। तो दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से अपने अलमारी को सेट किया है। पहले अच्छे से मैं इसको सेट कर लेती हूँ, पूरी जो अलमारी है उसको यहाँ पर। और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि मैं निकालूंगी, जो कि मुझे किसी को देने हैं, और मैं ये सोच कर नहीं दूंगी किसी को कि मैं जिसको दे रही हूँ वो मेरी कुछ हेल्प करेगा। बस मैं देना चाहती हूँ इसलिए मैं दे रही हूँ, जो मेरी ज़रूरत नहीं है। अब शायद हो सकता है वो किसी और की ज़रूरत हो। तो ये है अगले दिन का वीडियो, ये मैं कुछ दिन की क्लिप है जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो है देसी घी डाल दिया है और मखाने जो है मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और ये एक हेल्दी नाश्ता होता है, जैसे कि बीच में कभी भी भूख लगती है हम कुछ भी इसी तरीके से उठा के खा लेते हैं। कभी मैगी बना लेते हैं, बहुत सारे बिस्किट लेके बैठ जाते हैं, उसकी जगह हम ये फ्राई करके ये रखें अपने पास, तो बहुत ही हेल्दी जो है वो हमारा एक स्नैक्स है। तो यहाँ पर मैंने इसमें काला जो नमक डाल दिया है, तो थोड़ा सा नमक डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ये जो है ब्राउन जो है वो कर लिए, भून लिए हैं वो। तो थोड़ी देर इसको हवा लगने देंगे, उसके बाद एयर टाइट डब्बे में मैं इसको पैक करके जो है वो रख लूँगी। और यहाँ पर जो है ये जितने मुझे जिस तरीके से भूनने थे क्रिस्पी से वो मैंने भून लिए हैं। तो इनको बस थोड़ी सी हवा लगा के इसको डब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे एक डब्बे में और आप देख सकते हो मूंगफली रखी हुई है, तो मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने किस क्रिस्पी से हो गए और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं खाने में। तो इसी फ्राई पैन में दोबारा से मैं डाल दूँगी घी, क्योंकि घी की क्वान्टिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि जो मूँगफली की क्वांटिटी है वो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं थोड़ी थोड़ी डालूँ, सारी भून देती हूँ, फिर मैंने सारी इसमें डाल दी है। पहले मैं थोड़ी सी इसको बचा रही थी कि बाद में यूज़ हो जाए, तो मैंने इसमें सारी जो है मूंगफली डाल दी है। और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये भी एक जैसे चाय बनाओ शाम के टाइम, चाय के साथ खाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। और भून के रख लो तो ये आपको चावल में भी, जैसे चावल बनाते हैं हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मूँगफली जो है वो भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मैं दो डब्बे लेके आई थी डी मार्ट से, तो एक डब्बे में मैंने ये मखाने रख दिए, तो एक डब्बे में ये रख दूंगी मूंगफली जो मैंने फ्राई करके रखी है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है खाने में। इसमें भी मैंने थोड़ा सा जो नमक है वो ऐड कर लिया था, वो दिखाती हूँ। यहाँ पे ये कुछ बर्तन है, सुबह सुबह के वीडियो, ये रात के कुछ बर्तन है वो मुझे अभी किचन मतलब कि लगाने हैं, और मेरे जो बहुत सारी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करनी है मुझे। सारे डब्बे मेरे खाली होते जा रहे हैं, जितनी भी मैंने सोचा था सारी दालें जो ख़त्म हो जाएंगी तब मैं लेके आऊँगी। तो अभी जो है अब देखो मेरी किचन का हाल, जो किचन में पहले टोकरे में बर्तन थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं। किचन को अच्छे से जो है मैंने स्लैब व्लैब सब अच्छे से, टाइल्स सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने सिंक दिखा रही थी, ये वाला सिंक बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी चमक थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें जो हारपिक है ना वो डाल दिया था, और इसमें बिल्कुल भी मतलब आवाज़ नहीं होती है, जैसे बर्तन डालते हैं ना आवाज़ आती है वो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि जो मेरी स्लैब है उसमें से क्रैक हो गया है, बहुत डर लगता है कि किसी दिन टूट ना जाए, तो काम जो है वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल की कुछ सफाई की थी, तो मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट है वो इकट्ठी हो गई थी, कुछ कंपनी की भी है कुछ लोकल भी है, और बहुत सारी जैसे कि सरोजनी नगर की मार्केट गई थी वहाँ से ले ली थी मैंने, या फिर मेरी एक फ्रेंड थी वो काम करती थी उससे ले ली थी। तो इस तरीके से मेरे पास है ना बहुत सारी जो नेल पेंट है वो इकट्ठी हो गई है। तो ये अब मैं यूज़ नहीं करती, तो मुझे लगा चलो मैं किसी को दे देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर जितने भी आप नेल पेंट देख रहे हो वो 32 या 33 के करीब थी ये नेल पेंट, जो कि मैंने अब किसी को दे दी है, दे मतलब कि सोच रहा दे दूंगी मैं सब, ये दे दूंगी।
और व्लॉग तो मैं आप बाद में दे दूँ, मैं दे चुकी हूँ ये सब चीज़ें। यहाँ पे कुछ पेंसिल है, एक लिपस्टिक भी थी यहाँ पे लिक्विड वाली, तो वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यूज़ करो इसको। अब मैं सोच रही हूँ इसको दे दूँ किसी, मतलब किसी को दे दूँ, इतने सालों से जो रखा हुआ है। ये वो जो तुम अपने दोस्त की शादी में तब लेके दिया था ना, ऑनलाइन लिया था, ये वो वाला है। इसके साथ ये दुपट्टा भी है और ये इसके साथ ही है। और एक ये बेडशीट है, इसका प्रिंट देखने से पता चल जाएगा, ये वाली है। ये भी मैं किसी को दे रही हूँ, मतलब ये तो उसने मांगी थी जिसको मैं दे रही हूँ, उसने बेडशीट के लिए मुझे बोला था कि बेडशीट दे देना मुझे एक। और कुछ मैंने थोड़े बहुत और कपड़े निकाले हैं, एक ये बैग है ये दे दूंगी। ये बस यहाँ से, ये यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ, नहीं तो बिल्कुल नया है। यहाँ से लैपटॉप बैग, एक मेरा ये सूट है, इसको भी दे रही हूँ मैं। एक ये वाला है क्या ये सूट जो कि, और एक सूट ये है, एक ये है, ये कॉटन का सूट है, एक ये इसका दुपट्टा देख कितना सुंदर अच्छा है सूट से, और ये लॉन्ग कुर्ती है। अब बहुत सालों से ये चीजें रखी है तो लगता है किसी को दे दूं तो सही है, पहनती होनी। तो ये वाली मैं दोबारा दिखाती हूँ, ये मैंने सब रात को सेट किए होंगे, ये सारे मेरे जितने भी मतलब हैवी सूट है वो है, ये ऊपर जो लगाए हैं ये वाले सारे अनारकली सूट है मेरे, जितने भी फ्रॉक टाइप सूट होते हैं वो है। और ये सारे जैसे पैंट सूट सलवार सूट वो है, ये इधर इधर सारी कुर्तियां हैं, बस ये एक दो सूट है जो पूरे पूरे हैं, नहीं तो सब कुर्तियां हैं ये इधर। इसमें से भी ऐसे हैं जो कि मुझे 50% जो कपड़े हटाने हैं दोनों के मिक्स करके 50% है। इसमें सारे मेरे जो है पजामा टी शर्ट जींस सब मैंने वो रख रखी है, ये मेरी लेगिंग रखी है, और ये जितने भी कुर्तियां हैं सब मैंने कपड़ा लेके जो है वो सिलवाई हुई है इधर जितनी भी है। ये एक दो होंगी जो कि मैंने मार्केट से खरीदी है, नहीं तो ज्यादातर सारी सिलवाई हुई है कपड़ा लेके। ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है क्या हो रही है। सृष्टि बोलो, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, कौन सी भाषा में बोल रहा? अरे अरे क्या ठीक है, हरे हरे शंभू शंभू।